गहना, वैसे तो आपका लुक है एकदम सिंपल और स्वीट, लेकिन अगर आप पहन लेंगे ये काला चश्मा तो आ जाएगा ना आपके लुक में एक अलग ही स्वैग। वैसे क्या है अपडेट गहना की लाइफ का? क्या फिर से आ गया है यहाँ पर कोई नया ड्रामा? आइए देखें। अनंत और गहना का चल रहा है किचन में रोमांस, तो दूसरी तरफ गहना की बहन स्वरा को आ रहा है गहना पर गुस्सा। स्टारप्लस की सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में गहना ने अपनी माँ और बहन के लिए काम ढूंढ निकाला है टिफिन सर्विस का, और इसीलिए गहना ने 100 रोटियों का ऑर्डर भी ले लिया है। ये सुनकर स्वरा अंदर ही अंदर गुस्से से आग बबूला हो गई और अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और दौड़ पड़ी बेलन लेकर गहना को मारने के लिए। वो तो शुक्र है कि पीछे से माँ ने आकर स्वरा को रोक लिया, वरना आज तो गहना की शामत आने वाली थी। आप 100 रोटियां कहेंगी ना तो वो भी बच जाएगी, क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, और बहुत दिल से बनाती है। क्या हुआ? मैं गहना, मैं बहुत थक गई हूँ और किचन में काम कर करके थक गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं बना सकती। लेकिन स्वरा देखो ना, अभी तुम्हारे सामने ही मैंने फोन पे 100 रोटियों का ऑर्डर लिया है। जब स्वरा की दाल नहीं गली तो स्वरा की माँ ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया और रसोड़े से छुटकारा पा लिया। मैं नहीं चाहती कि उनके मान और सम्मान को ठेस पहुंचे कभी, तो इसलिए अब मैंने उनको काम पे लगा दिया है, पर वो भाग रहे हैं काम से, नाटक किए जा रहे हैं। माँ कहती है कि नहीं मुझे चक्कर आ रही है, वो कहती है कि मुझसे नहीं होगा, मैं थक गई हूँ, पर उन्हें मुझे काम करवाना ही है, ये मैंने ठान लिया है। तो बस वही चल रहा है कि नहीं नहीं चलो चलो करो करो करो, मैंने आपके लिए ऑर्डर ले लिया, अभी आपको करना पड़ेगा, तो वही सब चल रहा है। और माँ को चक्कर आ जाती है, फिर माँ रूम में चली जाती है, तो स्वरा भी वही बहाना मार के उसके माँ के पीछे जा रही है। माँ बहन तो रसोड़े से चली गई, लेकिन फिर एंट्री हुई अनंत की, जिन्हें मौका ही नहीं मिलता गहना के साथ प्यार भरे लम्हे बिताने का, और आज इस रसोड़े में ही उन्होंने ये मौका ढूंढ लिया। जरा देखिए कैसे गहना को अपनी ओर खींच रहे हैं और उस पर अपना प्यार जता रहे हैं। कितनी बार ऐसा हो चुका है वो किचन में आते हैं मेरे करीब आने के लिए, पर कभी मैं परेशान रहती हूँ और कभी मैं ही नहीं होती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम पास आ ही नहीं पाते, और मैं इतनी बिजी होती हूँ कि इधर भागम दौड़ी में घर के काम में, तो वो कहते हैं कभी थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लो मिसेस गहना देसाई, तो फिर थोड़ा बहुत करीब जा रहे हैं हम, वो मुझे अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहती हूँ रसोड़ा है कोई देख लेगा, मैं बहाने बना के अवॉइड कर रही हूँ, पर तो भी करीबियाँ बढ़ती जा रही है। करीबियाँ तो बढ़ेंगी ही, प्यार का इजहार जो हुआ है, खैर आप लोग रोमांस फरमाइए, क्योंकि पता नहीं स्वरा कब कौन सा ट्विस्ट लेकर आ जाए। फिलहाल तो ट्विस्ट गहना की सासू माँ लेकर आई हैं, जिन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी गहना को थमा दी है, क्योंकि वो गहना से नाराज जो हैं। आज से इस घर की तिजोरी, इस घर की जमा पूंजी और इस घर को चलाने की जिम्मेदारी तेरी। नहीं नहीं बाप, आप इस घर की बड़ी हैं। मेरे रहते हुए गहना, इस घर के बड़े बड़े फैसले तूने खुद अकेली ने ले लिए। नहीं बाप, मैंने मैंने कौन से फैसले लिए? मैंने कोई फैसले नहीं लिए बाप। हाँ या ना ये कहने का हक मैंने तुझे नहीं दिया। एक फैसला तूने लिया। खैर अपनी सासू माँ की नाराजगी गहना बहुत जल्द दूर कर ही देगी। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक फैसला मैंने लिया।